मारो एक तमाचा और मारो पहले एक तमाचा और मारो भाई जिसका नाम ले रहे थे खुद ही आ गया। हम भाई जा ही रहे थे घूमते घूमते तब तक शैतान का नाम लिया शैतान हाजी ने। Hey guys, welcome to my YouTube channel VT Star। और पहले तो आपको मैं गुड मॉर्निंग बोलना चाहूंगा क्योंकि गाइज आप लोगों को पता ही है कि मैं कल से इस होटल में रुका हुआ हूँ। तो दिलीप और शालिनी तो चले गए थे अपने घर पे, दिल्ली में मतलब उनकी दीदी रहती है तो वहाँ पे चले गए थे। हम और ये एक भाई ये बचे हैं, इनका नाम भमलेश है। तो ये बेड है, एक बेड इधर है जो कि ये डबल बेड है, ये सिंगल बेड है। हम दोनों ने रात भर यही रेस्ट किया, अभी नहा धोकर पूरा फ्रेश हो चुके हैं तो अभी चलते हैं गाइस थोड़ा नाश्ता पानी करने। बाकी हमने चिप्स और पानी वगैरह तो थोड़ा बहुत नाश्ता किया, अभी बाहर चलते हैं चाय वगैरह पीने। तो और अभी आपको बाहर का सीन दिखाते हैं दिल्ली, अभी जहाँ हम रुके हैं भाई ना, ये दिल्ली का मेन एरिया पोर्च एरिया है क्योंकि गाइस ये दिल्ली का न्यू दिल्ली का रेलवे स्टेशन है। और फिलहाल आपका भाई पूरा रेडी है और अभी हम आपको पूरा ये सिस्टम दिखाते हैं रूम का। देखो हम सब नहा एकदम, ये देखो गमछा वमछा रख दिया ऐसे ही। तो अभी आधे घंटे के अंदर दिलीप और शालिनी दोबारा वापस आ रहे हैं, ठीक है। तो अभी सबके साथ फिर से वीडियो बनेगा। बाकी मैंने सोचा अभी ब्लॉग स्टार्ट कर देता हूँ अभी से, क्योंकि पूरा लाइफ स्टाइल आपको दिखाते हैं, बाहर साइड चलते हैं वहाँ भी दिखाते हैं क्या सीन है। तो ये चिप्स खाने जुटे हुए हैं ये देखो हमने चिप्स पानी एक बार खा लिया था, ये दूसरा चिप्स है, बहुत मसालेदार है। तो गाइस फाइनली हम होटल से बाहर आ गए हैं सड़क पे, जो कि हमारे सामने न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन है और ये रोड पे भी हम चल रहे हैं। अभी एक भाई से मिलाते हैं जो कि हमारी तरफ से जो भी हम आपको बता रहे थे, ये जा रहे हैं देखो मास्क लगा के, ये हमारे घर के बगल के हैं। पर मास्क निकाल दो ताकि घर आपको गाँव वाले पहचान जाए ये देखो इनका नाम आर्यन पंडित है, ये भी हमारे घर के बगल के हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था दिल्ली में रुके थे तो थोड़ा संपर्क बन गया तो होटल वगैरह नहीं गिर इस पर ले लिया तो काफ़ी अच्छा लगा। तो गाइस अभी दो लोग तो बाहर गए हैं, अभी वो भी आ रहे हैं तो अभी हम दो लोग जा रहे हैं भाई वैसे ही घूमने टहलने, ये दिल्ली रेलवे स्टेशन का कुछ माहौल ले लें। और वैसे कुछ जाइए जाइए जाइए, आपके लिए ही बनाया है भाई रोड, पैदल वालों के लिए रोड नहीं है, ये गाड़ी उड़ी वाले हैं, पी पी कर देंगे ना ठोक देंगे, बस ऐसी छोटी सी बात है। तो चलते कुछ नाश्ता पानी करते हैं और फिर वीडियो की तैयारी करते हैं भाई। ये भाई जिसका नाम ले रहे थे खुद ही आ गए आगे हम भाई जा ही रहे थे घूमते घूमते तब तक शैतान का नाम लिया शैतान हाजी ने। ये हम सब जा रहे हैं भाई चाय पानी पीने, हमने सोचा कि दिलीप आ रहा होगा तब तक भाई आ गए पहले से। यार मेरे लिए कुछ चाय ले आना यार। चलो ये लो चाय भी। तो भाई अभी नाम ही ले रहे थे भाई का तब तक भाई आ गए, इधर शालिनी इधर खड़ी है देखो बड़ी जल्दी आ गए। मुझे बताओ मैं यार ये 4-3 अब मैं क्रोम से हटा भी नहीं सकता हूँ। 4-3 नहीं ऊपर से ही कनेक्ट कर दो ना, वो तो मिनिमाइज हो जाएगा। नहीं यार ये चीज हटेगा तो फिर दोबारा अपलोडिंग लगाने पड़ेगी मेरे को। गाइस वीडियो अपलोडिंग रास्ते में चल रही है पूरा धागा तक। 4385-2005 क्या करना है दोस्तों, कैसे हैं आप लोग, सब बढ़िया? मंजन किया देखने मैं उठ गया हम सब नहा कर रेडी हुए, मंदिर में पूजा की है सब आ रहे हैं अभी पूजा करनी और क्या, मंदिर में पूजा किए नहा अच्छा लगा छोटे कोई दिक्कत तो नहीं है। अरे मजा आ गया पूरा जबरदस्त वाली दिल्ली में मजे लिए। खाना ना खायो? हाँ खाना खायो अभी कुछ नहीं, चाय मेरा अभी तो मेरे शौक उठे यार कुछ भी नहीं खुला, जल्दी आ गया मतलब चलेंगे कभी चाय ले खाना बाद में। शालिनी मैम गुस्सा लग रही है मुझे, क्या हो गया? बस सवेरे जल्दी जिससे गुस्सा है जल्दी उठा दिया इतनी बेचारी सवेरे सवेरे उठ गई, बहुत गुस्सा है। देखो जाना था इसको थप्पड़ मारना जरूर तैयार हो गया, मैं डांटूंगा ये सो रही बताओ मेरी गलती है, गुस्सा नहीं आएगा? 10 बज रहे हैं तो 10 बजे माने जल्दी आ गए, हमेशा गुस्सा नहीं होता, सोने के पीछे कोई गुस्सा हमेशा गुस्सा नहीं होता। चलो अभी मारे चाय लेके आते हैं। तो गाइस अभी हम रोड से बातें करते करते जा रहे थे तब तक दिलीप और शालिनी सामने से ही आ रहे हैं भाई, तो अभी हम फिर से निकल रहे हैं भाई घूमने के लिए। तो घूमते रहेंगे आपको ब्लॉग दिखाते रहेंगे, आप लोग एक्टिव रहना अपना प्यार सपोर्ट देते रहना, बाकी कोई नहीं। बाकी इधर भाई दिल्ली के रेलवे स्टेशन के सामने ना सारे होटल वगैरह हैं और हमारे सामने भाई दिल्ली रेलवे स्टेशन न्यू दिल्ली, आपको सामने दिखाते हैं एक बार। ये न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन है और ये हम रोड से जा रहे हैं भाई, इधर आपको ढाबा मिलेगा होटल मिलेगा, अक्सर जो रेलवे स्टेशन होता है उसके बगल में ये सब सिस्टम रहता है भाई।
नहीं नहीं, चाय अगर गैस बनाती है तो केला खाएंगे, केला निकाल देगा। तो पहले चाय पी लें। चाय पी के आते हैं भैया। हाँ तो गाइस अभी चाय का ऑर्डर दिया है और सामने हमारे ये दिल्ली रेलवे स्टेशन, ये देखो गेट बना हुआ ना सामने, ये देखो ये पूरा न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन है और हम सब यहाँ पे भी चाय पी रहे हैं। ये पूरा छोटा सा मार्केट है, बाकी अच्छा लगा हमें। सामने से भी हम आपको दिल्ली दिखाते हैं, देख रहे हैं पूरा न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन है। यहाँ सड़कें वगैरह हैं, ये बैक साइड का साइड एरिया है, उधर के मेन साइड जो है ना वहाँ पे सड़कें बहुत ज़्यादा चौड़ी है, ये बैक साइड है तो थोड़ा कम है, ये सिस्टम है। ये भाई गरम गरम चाय। तो भाई हमारा नाश्ता इधर रेडी है, फैन और चाय। तो गाइस हम घूमते घूमते आ गए हैं, क्या बोलते हैं, कोविड टेस्ट भी हो रहा है और मास्क भी चेक हो रहा है। सामने देखो पुलिस लगी है, वो सामने जा रही है, देखें। तो गाइस हम रेलवे स्टेशन पर आ गए न्यू दिल्ली, जो कि दिल्ली का सबसे अच्छा रेलवे स्टेशन है। ये देखो बैक में, तो हम आपको पूरा एक बार दिखाते हैं न्यू दिल्ली सामने से। तो हम दो लोग पैदल जा रहे हैं, इधर ऑटो वगैरह खड़े हैं लाइन से। दिल्ली का ऐसा रूल है गाइस, अगर जैसे ऑटो कर रहे हो ना, अगर 1 किलोमीटर पर जाना है तो अगर वहाँ पे 50 रुपये लग रहे हैं, 10 रुपये लग रहे हैं मतलब किराया, फिर जितना थक पाएंगे उतना पेलेंगे, फिर 250 रुपये 500 रुपये जैसा इंसान रहेगा वैसे ही पेलते हैं इस टाइप से। बाकी यार दिल्ली रेलवे स्टेशन का देखो डिजाइन वगैरह, स्टेशन का काफ़ी अच्छा डिजाइन है। ये देखो सामने से फ्रंट से, ये पूरा नई दिल्ली है, ये देखो मज़ा आ गया कसम से। लखनऊ रेलवे स्टेशन और दिल्ली रेलवे स्टेशन जो है ना, लखनऊ में कुछ काफ़ी कलर्स किए गए हैं, रात में उसकी जो लाइट ही जलती है ना काफ़ी ज़्यादा भाई अट्रैक्टिव होती है, मतलब अच्छा लगती है देखने में। अपने इंडिया का जो तिरंगा है ना उस टाइप से जलता है, ऐसे बनारसी रेलवे स्टेशन है वहाँ भी ऐसे चलता है, ये दिल्ली का तो अलग ही सीन है भाई। तो गाइस ये है रेलवे स्टेशन, भीड़ भाड़ है भाई, यात्री लोग काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे वेटिंग लिस्ट में लगे हैं। रेलवे स्टेशन घुमा दिया आपको अपने होटल से, फिर यहाँ पे आए। ये देखो रेलवे स्टेशन, ट्रेन का आगे का इंजन है ये, ऐसे बना दिया है। तो गाइस दिल्ली में एक चीज़ सीखने को मिला, अगर सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी इस टाइप से, क्योंकि गाइस अगर मास्क नीचे थोड़ा हुआ तो 2000 चलान, बाकी ऑटो वाले और इन सबसे भाई कोविड भी हो सकता है भाई वो तो है ही, नाक में डाल के स्पीड भी हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, इसलिए सावधानी एकदम बना के रखो अपने लिए, हमारे लिए बेटर होगा भाई, अपनी पब्लिक के लिए। और जैसे अगर आप किसी नए शहर में जा रहे हो तो सबसे बड़ा आपको तजुर्बा रखना पड़ेगा भाई, यहाँ पे अगर आप अपने हिसाब से नहीं रहोगे ना तो आपको लूट लेंगे, जितना भी आपकी जेब में होंगे सब एकदम जीरो बटा सन्नाटा हो जाओगे आप। एक में लगा दो। तो गाइस हम इधर चाय पी के अंकल के पास केला खाने केला खा के फिर जाएंगे अपने रूम में। इधर उधर पीते चाय में मजा नहीं आता। नहीं आपने बताया ना वो चाय सही था, पीकर अच्छा आ गया। तो गाइस फाइनली हम आ चुके हैं रूम के अंदर, यहाँ पे भाई झगड़े चल रहे हैं और झगड़े में हम मैटर नहीं रखना चाहते, एक बार देखते हैं। मारो एक तमाचा और मारो, पहले एक तमाचा और मारो यहाँ पे झगड़े चल रहे हैं गाइस बहुत ज्यादा। इधर भाई मेरी फेवरेट मूवी आ रही है जुमांजी, जो कि हमेशा हम देखते हैं, बहुत फेवरेट मूवी है यार। ये सिस्टम है भाई, अभी दोपहर के 12 बज चुके हैं, झगड़े चल रहे हैं बहुत ज्यादा। मैं नहीं समझता यार कपल जोड़े झगड़े क्यों करते हैं, क्यों करते हैं समझ में नहीं आता। ये देखो सब रेस्ट कर रहे हैं, दिखाई नहीं देता, तो दो तमाचा मारा तभी दिखाई देगा जुमांजी जंगल का राजा। तो गाइस जितने देर से लेटे हैं दो इंसान है जो हमको मेरा सिर पका दिए बोल बोल के एक ही चीज समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। जेब में फोन रखा है, फोन दूसरे ढूंढ रहे हैं, खड़े हो जाते हैं भाई। तो गाइस वीडियो काफी लंबी हो रही है, तो मैं सोच रहा हूँ ब्लॉग इसी पे एंड करता हूँ, और हम सब थक चुके हैं अभी, चल रहे हैं फिलहाल खाना खाने, खाना खाकर आराम करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब मार देना, वीडियो को लाइक मार देना। तो काफी टाइम बाद ब्लॉग डाला, हम एंजॉय कर रहे हैं दिल्ली में, नहीं अभी एंजॉय कर रहे हैं।